नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अस्त के चंद्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्त के ग्रह होते क्या है। जब कोई ग्रह अपनी गति पर चलते चलते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और कुछ खास निश्चित निर्धारित अंशों से सूर्य के जब करीब आ जाता है तो सूर्य के तेज प्रकाश के वजह से वो ग्रह पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस ग्रह को हम अस्त का ग्रह कहते हैं। और ज्यादा डीप में जाके कहूं तो जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य के तेज प्रकाश के अंदर वो ग्रह लुप्त हो जाता है, वो ग्रह ढक जाता है, वो ग्रह अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी से वो ग्रह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो उस ग्रह को हम अस्त का ग्रह कहते हैं। और वो ग्रह जब धीरे धीरे सूर्य से दूर होने लगता है तो कुछ खास निश्चित अंशों के बाद पृथ्वी से वो ग्रह दिखना शुरू हो जाता है, तो कहा जाता है कि वो ग्रह का उदय हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे अस्त का होता है। तो सुनिए, सूर्य से चंद्र 12 अंशों से करीब आने लगे तो चंद्र अस्त का हो जाता है। सूर्य से मंगल 17 अंशों से करीब आने लगे तो मंगल अस्त का होने लगता है। सूर्य से बुध 13 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो बुध अस्त का हो जाता है। सूर्य से गुरु 11 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो गुरु अस्त का हो जाता है। सूर्य से शुक्र 9 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शुक्र अस्त का होने लगता है और सूर्य से शनि 15 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शनि अस्त का होने लगता है। जैसे जैसे ये ग्रह सूर्य के करीब करीब जाने लगते हैं वो ज्यादा ज्यादा अस्त होते जाते हैं और इन ग्रहों के अंश और सूर्य के अंश जब एक हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रह पूर्ण अस्त का हो गया। और हां, इसमें राहु केतु को कंसीडर नहीं किया जाता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था कि जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो वो बहुत कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है और वो ग्रह अपनी सारी शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे मैंने कई लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया और ज्योतिष की गहराई में उतरता गया तो मैंने अनुभव से पाया कि कई लोगों की कुंडली में दो दो तीन तीन ग्रह अस्त के होने के बावजूद वो लोग सर्वसुख संपन्न, धनवान और प्रसिद्ध हुए है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो इस बात की जानकारी के लिए मैंने बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया तो पता चला कि जो ग्रह अस्त का दिख रहा है वो ग्रह नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है या फिर अष्टक वर्ग में शुभ बन रहा है या फिर षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान बनकर बैठा है या फिर जो ग्रह अस्त का हो रहा है वो परिवर्तन योग बना रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है या फिर नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसलिए वो ग्रह अस्त का होने के बावजूद बहुत ही अच्छा फल देने के लिए सक्षम है। अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ चंद्र के बारे में। जो मैंने सीखा है वो बताने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है और चंद्र को माता का कारक ग्रह माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर माता पिता एक साथ बैठे हो तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा का कारक ग्रह माना गया है और चंद्र को रानी का कारक ग्रह माना गया है। तो जन्म कुंडली के अंदर एक साथ दो बड़ी शक्तियां यानी कि राजा और रानी एक साथ बैठे हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, चंद्र को मन का कारक माना गया है। अगर चंद्र अपनी चंचलता को छोड़कर आत्मा के अधीन हो जाए तो वो व्यक्ति आत्मचिंतन और आत्ममंथन करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है और ये अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सक्षम है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अभी हम लोग जानेंगे कि अस्त के ग्रह वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर अगर अस्त का होता हो तो ऐसे लोग एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं।
दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, रिश्तों की गरिमा को समझने वाले लोग होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले, सबकी चिंता करने वाले, बहुत ज्यादा भावनात्मक लोग होते हैं, अपनों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता, नामचीन और प्रसिद्ध लोगों की कुंडली में चंद्र अस्त का देखा गया है। उसका कारण क्या हो सकता है? तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति और पद का कारक है, और दूसरी तरफ चंद्र सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी और ऐश्वर्य का कारक है। अगर कुंडली के अंदर दो बड़े बड़े ग्रह क्लोज कंजंक्शन में आते हो, अंशात्मक युति करते हो, तो ये एक राजयोग से कम नहीं माना जाएगा। चंद्र कुंडली का कारक, फिर से बोलता हूं, चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर कुंडली का कारक ग्रह मंगल अपनी पूर्ण शुभ दृष्टि डालता हो तो वहां पे लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं। चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके अस्त का होता हो, लेकिन अगर उसके ऊपर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर पूर्ण शुभ दृष्टि डालता हो तो वहां गज के श्रीयोग नाम का राज्ययोग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही विद्वान और ज्ञानी होते हैं। सूर्य चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण में होती हो और सूर्य और चंद्र से दूसरे और बारहवें भाव में राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह पड़े हो तो छह राजयोग बनते हैं। कैसे? तो सुनिए, सूर्य से जब दूसरे और बारहवें भाव में ग्रह बैठे हो तो वोशी वाशी उभयचरी नाम के योग बनते हैं। चंद्र से जब दूसरे और बारहवें भाव में जब कोई ग्रह बैठे हो तो अनफा सुनफा दुधरा योग नाम के तीन राजयोग बनते हैं। इस प्रकार से टोटल 6 राजयोग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनकी भी कुंडली में चंद्र पीड़ित हो तो क्या होता है। तो मान लो अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र अस्त का होकर बैठा है, चंद्र पाप ग्रहों से ध्रष्ट होकर बैठा है, चंद्र छठवें आठवें बारहवें भाव में पीड़ित हो रहा है, चंद्र अस्त का होने के बावजूद शनि के साथ विष योग बना रहा है, चंद्र अस्त का होने के बावजूद राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, तो उसका क्या फल मिलेगा? चंद्र अगर अस्त का होकर पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें आठवें बारहवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से थोड़े कमजोर होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने में उनको दिक्कतें आती है, छोटी छोटी बातों में तनाव को पाल लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और नेगेटिव और नकारात्मक विचारों उस पे हावी हो जाते हैं। कोई भी बात को लेकर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनमें चंचलता का प्रमाण बढ़ने लगता है और खुद अपनी ही प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा कर देते हैं। चंद्र कुंडली का कारक ग्रह हो और अगर जो अस्त का होता हो तो ऐसे लोगों को एसिडिटी और पेट का प्रॉब्लम भी देखा गया है। तो ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए? तो सुनिए, अगर कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर छठवें आठवें बारहवें भाव में हो, शनि के साथ विष योग बनाता और राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो, अस्त का होकर निर्मल होता हो, तो उसके लिए क्या उपाय करें? तो सुनिए, व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पानी, दूध, छाछ, खीर, मक्खन रोजिंदा जीवन में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। रसीले फल खाने चाहिए, फ्रूट जूस पीना चाहिए। पूनम के दिन उपवास या व्रत करना चाहिए। एक लोटे में पानी भरकर उसमें सफेद फूल या थोड़ा सा दूध डालकर पूनम के दिन चंद्र को अर्घ देना चाहिए और ओम रीम चंद्राय नमः के जाप करने चाहिए। चांदी का छल्ला हाथ में पहनना चाहिए और अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेरे 25 साल के अनुभव से मैं कह रहा हूं कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र की युति होती हो और चंद्र अस्त का भी होता हो, लेकिन अगर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर कुंडली के कारक ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत ही धनवान देखे हैं। बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की कुंडली में मैंने चंद्र और सूर्य साथ में देखे हैं, और ऐसे लोग बहुत ही धनवान होते हैं, क्योंकि सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है और चंद्र सुख शांति ऐश्वर्य का कारक है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।